हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में मेटेलिक बॉन्ड के अंतर्गत आज हम बैंड थ्योरी का अध्ययन करेंगे। क्वांटम यांत्रिकी परिकल्पना के आधार पर धात्विक बंध का आणविक कक्षक अथवा बैंड सिद्धांत दिया गया। इसे बिल्कुल उसी तरह लागू किया गया जैसे अणुओं में सहसंयोजक बंध के लिए इसे लागू किया जाता है। एक सहसंयोजक बंध के लिए हम जानते हैं कि दो परमाणुओं के परमाणुक कक्षक मिलकर दो आणविक कक्षक बनाते हैं। पहला बंदी आणविक कक्षक यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, वह दूसरा होता है विपरीत बंदी आणविक कक्षक एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक सहसंयोजक बंध निर्माण के द्वारा ये दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरली बनते हैं। एक धात्विक क्रिस्टल में अवोगाड्रो संख्या के लगभग परमाणु होते हैं, अर्थात एन कोटि की संख्या 10^23 होती है। स्पष्ट है कि धातु के 10^23 परमाणु कक्षक संयोग करके 10^23 आणविक कक्षक बनाएंगे और इस प्रकार इतनी बड़ी संख्या में आणविक कक्षकों के निर्माण के कारण ये आणविक कक्षक एक दूसरे के बहुत समीप आ जाते हैं, जिससे बंदी व विपरीत बंदी आणविक कक्षकों के मध्य का अंतर भी खत्म हो जाता है। अतः 10^23 आणविक कक्षकों के मध्य बहुत कम ऊर्जा अंतर होने से प्राप्त ऊर्जा स्तर एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, जिसके कारण एक पट्टीनुमा संरचना बनती है जिसको बैंड टाइप संरचना हमें प्राप्त होती है और इस कारण अणु कक्षक सिद्धांत को यहाँ बैंड थ्योरी भी कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त आणविक कक्षक डीलोकलाइज्ड यानी विस्थानीकृत होते हैं, अर्थात ये किसी एक परमाणु से संबंधित न होकर पूरे धातु क्रिस्टल से संबंध रखते हैं। यहाँ हम लिथियम परमाणु का उदाहरण लेते हैं। लिथियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 है। यदि एन लिथियम परमाणु आपस में मिलकर लिथियम क्रिस्टल का निर्माण करते हैं तो निम्नलिखित तीन प्रकार के ऊर्जा बैंड प्राप्त होते हैं। 1s बैंड एन संख्या वाले 1s प्रमाणिक कक्षक आपस में मिलकर एन ऊर्जा स्तर वाला एक बैंड बनाते हैं, क्योंकि 1s कक्षक पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है, अतः ये 1s बैंड पूरा भरा हुआ होगा। इस 1s बैंड में अधिकतम 2n इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जिसके कारण लिथियम का 1s कक्षक अंदर का कक्षक है जो रासायनिक बंधन में भाग नहीं लेता है और उसी प्रकार 1s बैंड का धातुओं की चालकता में कोई योगदान नहीं होता। यही कारण है कि 1s बैंड को नॉन कंडक्शन बैंड यानी अचालन बैंड भी कहते हैं। दूसरा है 2s बैंड। 2s कक्षक संयोजकता स्तर के कक्षक हैं, अतः यह है 2s कक्षक से बने बैंड को हम संयोजकता बैंड भी कहते हैं। n लिथियम परमाणुओं के n संख्या में 2s कक्षकों के मिलने से यह बैंड बनता है। जिस प्रकार 2s कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन की भराव क्षमता होती है, लेकिन लिथियम परमाणु में यह केवल आधा भरा है, उसी प्रकार 2s बैंड की अधिकतम भराव क्षमता 2n इलेक्ट्रॉनों की है, लेकिन यह आधा भरा हुआ है। इस प्रकार 2s बैंड का ऊपर का आधा हिस्सा रिक्त होता है, जबकि कम ऊर्जा वाला नीचे का भाग भरा रहता है। इस बैंड के ऊपर व नीचे के भागों में ऊर्जा अंतर इतना कम होता है कि सामान्य ताप पर भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर नीचे वाले बैंड से ऊर्जा ऊपर के रिक्त बैंड में जा सकते हैं। इस कारण इस बैंड को हम कंडक्शन बैंड भी कहते हैं। और तीसरा है 2p बैंड। जिस प्रकार लिथियम परमाणु में 3 रिक्त 2p कक्षक होते हैं, उसी प्रकार एन लिथियम परमाणु के एन 2p कक्षक मिलकर 2p बैंड बनाते हैं जो कि रिक्त होता है। लिथियम परमाणु के 2p कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं। इसी प्रकार 2p बैंड में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6n हो सकती है। 2s बैंड व 2p बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतर इतना कम होता है कि ये एक दूसरे पर ओवरलैप कर लेती हैं, अतिव्यापन कर लेती हैं। इस प्रकार 2s बैंड तथा 2p बैंड मिलकर एक लगातार बैंड बनाते हैं, जिसका लगभग 1/8 भाग अतिव्यापन क्षेत्र यानी ओवरलैपिंग जोन कहलाता है। और इस प्रकार इस पूरे 2s व 2p बैंड की कुल भराव क्षमता 2n + 6n × 8n इलेक्ट्रॉन की होती है।
1s बैंड के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर 2s 2p बैंड में नहीं जा सकते, अतः 1s बैंड तथा 2s बैंड के मध्य का ऊर्जा अंतराल रुकावट बैंड या वर्जित क्षेत्र यानी फॉरबिडन जोन कहलाता है, जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये जो डायग्राम है ये लिथियम क्रिस्टल में 1s 2s व 2p बैंड के निर्माण को दिखाया है। यहाँ पे यहाँ हम देख रहे हैं कि 1s ऑर्बिटल्स के द्वारा ओवरलैपिंग के द्वारा जो 1s बैंड बनता है वो पूरा भरा हुआ है, उसके बाद ये फॉरबिडन बैंड है 1s और 2s के बीच में, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट है इसलिए 2s और 1s के बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, यानी कि 1s के इलेक्ट्रॉन 2s में नहीं जा सकते, और 2s और 2p के एनर्जी लेवल कम होता है इसलिए आपस में ओवरलैपिंग करके एक पूरी कंप्लीट बैंड बना लेते हैं। लिथियम में बैंड सिद्धांत के आधार पर धातुओं के लगभग सभी गुणों का स्पष्टीकरण हो जाता है। 2s बैंड में भरे इलेक्ट्रॉन 2s व 2p बैंड में कहीं भी विचरण कर सकते हैं, अतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा की चालक होती हैं। प्रकाश से ऊर्जा पाकर उत्तेजित हुए इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर वाले बैंड में चले जाते हैं, और जब ये वापस निम्न ऊर्जा अवस्था में लौटते हैं तो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं जिससे धातु चमक दिखाई देती है। बैंड सिद्धांत की सहायता से धातुओं को चालक अचालक व अर्धचालक में विभेदित करना संभव है। तो इस आधार पर हमने देखा कि किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि बैंड थ्योरी मेटल्स को कंडक्टर नॉन कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में डिवाइड करती है। मेटल्स का तीनों तरह की कैटेगरी को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।